आज के वीडियो में हम देखेंगे और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज बनाएंगे एक चॉकलेट बार, शॉर्ट ब्रेड कैरमेल चॉकलेट बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी एंड साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी है, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अगर अच्छा लगे तो या फिर बुरा भी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर नए हो तो, और उसके साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी सीजन केक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रेसिपी में दो मेन एलिमेंट्स है, एक है उस चॉकलेट का जो बेस है एंड सेकंड है उसके ऊपर जो कैरमल जाएगा। तो पहला एलिमेंट जो बेस है वो एक शॉर्ट ब्रेड है, तो पहले देख लेते हैं उसको कैसे बनाएंगे। शॉर्ट ब्रेड बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम्स मैदा लिया है, कप में 1.5 कप होगा। और मैंने यहाँ पर आइसिंग शुगर 50 ग्राम्स लिया है, क्योंकि मेरे पास पाउडर शुगर रेडीली अवेलेबल नहीं था तो आइसिंग शुगर लिया है, बट आप ईजिली इसमें पाउडर शुगर रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और दोनों को बहुत अच्छे से सीव कर लेना है, इससे क्या होगा मैदा में कुछ इम्प्योरिटी रहेगा तो निकल जाएगा और कुछ लम्स रहेगा शुगर में तो वो निकल जाएगा। अब इसमें 110 ग्राम्स रूम टेम्परेचर सॉल्टेड बटर में ऐड कर रही हूँ। मेल्टेड नहीं होना चाहिए बट एट द सेम टाइम सॉफ्ट होना चाहिए बटर। ये सॉल्टेड बटर है, अगर सॉल्टेड नहीं है, अनसॉल्टेड बटर आप यूज़ कर रहे हो तो 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक फोक की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करना है। बेसिकली बटर को मैदे में कोट करना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड किया है। अब मैं हाथ का यूज़ करूँगी इसको बाइंड करने के लिए। कोई भी पॉइंट पे आपको इसको नीड नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो शॉर्ट ब्रेड बेस है बहुत हार्ड बनेगा और वो खाने में मेल्ट इन माउथ नहीं होगा। मैदा बटर एंड चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इसका टेक्सचर आपको ब्रेड क्रम जैसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक लाइन किया हुआ पैन में ट्रांसफ़र करते हैं। पेन को कैसे लाइन करना है उसका एक रील्स मैंने इंस्टाग्राम में डाला है, तो वो जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें लाइन करना बहुत ज़रूरी है पेन को। अदरवाइज जब आप इसको डिमोल्ड करने जाओगे तो वो निकलेगा नहीं, वो स्टिक हो जाएगा पेन को और वो स्मूथ पीस आपको नहीं मिलेगा चॉकलेट बार का। तो इसके लिए मैंने एक पार्चमेंट पेपर का यूज़ किया है, आप चाहो तो एक बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो। ये तीनों भी नहीं है तो एक एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हो, बट एल्युमिनियम फॉइल I will not suggest for baking purpose, क्योंकि इतना हेल्दी वो नहीं होता है, बट स्टील अगर नहीं है तो वन टाइम के लिए आप कर सकते हो। सो नाउ लेट्स ट्रांसफर दिस मिक्स टू दिस लाइन पैन। ट्रांसफर करने के बाद ये मिक्स को इवनली आपको पैन के अंदर स्प्रेड करना है पहले, एंड देन एक स्पैचुला के हेल्प से प्रेस करना है। अगर इवनली नहीं स्प्रेड करोगे तो क्या होगा, जो आपका शॉर्ट ब्रेड का बेस बनेगा वो कहीं पे मोटा और कहीं पे पतला बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसमें एक प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। बेस कहीं पे आपका मोटा दिखेगा और बेस कहीं पे आपका पतला दिखेगा। अब स्प्रेड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि जब ये बेक हो जाए, बेक होने के बाद जब आप इसको कट करो तो वो क्रम्बली नहीं होगा और नीट पीस निकलेगा। बाय द टाइम मैंने अभी ओवन को प्री हीट कर लिया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स के लिए। अब इसको बेक करेंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको मिडिल रैक पे रखना है एंड बॉटम रॉड ऑन रहेगा। तो चलिए बेक कर लेते हैं। जब तक ये शॉर्ट ब्रेड बेक हो रहा है ओवन में, चलिए बना लेते हैं इसका सेकेंड एलिमेंट जो है एक कैरमल। तो देख लेते हैं कैसे बनाना है। कैरमल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है, आप चाहो तो एक हेवी बॉटम पैन भी ले सकते हो और गैस का फ्लेम ऑन कर देना है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जो कि 1 कप होगा कंडेंस मिल्क लिया है। अब इसमें 4 टेबलस्पून ग्रैन्युलेटेड शुगर ऐड करना है, ये लगभग 60 ग्राम होगा, और अच्छे से मिक्स करना है। अब नेक्स्ट इसमें 60 ग्राम बटर ऐड करना है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर बटर है, और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर भी मैंने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है, अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो देन अगेन 1/4 टीस्पून सॉल्ट आप ज़रूर ऐड करो। बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें 1/4 कप ऑफ कॉर्न सिरप मैंने ऐड किया है। कॉर्न सिरप
ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी ऐड करोगे तब भी चलेगा। कॉर्न सिरप से जो शुगर हम लोगों ने ऐड किया है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता है, तो थोड़ा उसका टेक्सचर ज़्यादा स्मूथ आता है, बट नहीं ऐड करोगे तब भी चलेगा। कॉर्न सिरप ऐड करने के बाद बस अब इसको स्टर करना है स्लो फ्लेम में कंटिन्यूसली एंड कुक करना है जब तक का इसका कलर चेंज ना हो जाए और ठीक ना हो जाए ये मिक्सचर। तो लगभग आपको 15 मिनट्स तक लगेगा। अब इसमें मैंने वेनिला एसेंस ऐड किया है और अगेन इसको स्टर करते हुए कुक करना है। इसको स्टर करना ना भूलिए, अदरवाइज ये नीचे स्टिक हो जाएगा और जल जाएगा, तो कंटिन्यूसली इसको स्टर करना ज़रूरी है। जब आप इसको कुक करोगे तब आप देखोगे इसका कलर धीरे धीरे चेंज होगा लाइट से डार्क ब्राउन की तरफ। जब थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए और थिक हो जाए तब आप इसका कुकिंग बंद कर दोगे एंड बंद करके भी 3-4 मिनट इसको वही पैन में स्टर करना है ताकि वो पैन का जो हीट है उसी में और थोड़ा वो कुक हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है एंड थिक भी हो रहा है। तो बस यही कलर आने तक आपको इसको कुक करना है, स्लो फ्लेम में कुक करना है, ठीक है। तो अब मैंने फ्लेम को स्विच ऑफ कर दिया है और उसी में ही थोड़ा टाइम अभी स्टर करूँगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर कैरमल रेडी हो गया है। बाय दिस टाइम हमारा जो शॉर्ट ब्रेड बेस है वो भी रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत सुंदर से बेक हुआ है। उसी में ही अब ये कैरमल को पोर करना है। दोनों भी गर्म है, जो बेस है वो भी गर्म है और कैरमल भी गर्म है। पोर करते ही आपको इमीडिएटली एक स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको स्प्रेड करना है, और स्प्रेड भी बहुत अच्छे से करना है, कॉर्नर्स में भी स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद टॉप पार्ट को स्मूथन कर देना है। बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस स्टेप क्योंकि बोथ पैन एंड कैरमल गर्म है। कैरमल को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रखेंगे। पूरा ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा सेट हो गया है। चलिए इसको कट कर लेते हैं। कट करने के लिए एक शार्प नाइफ का यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया था, तो आप देख सकते हो कितना इजीली मैंने इसको डिमोल्ड कर लिया है। एक शार्प नाइफ के हेल्प से इसको कट करना है। इसको आप ऐसे बार शेप में भी कट कर सकते हो या फिर छोटे स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हो, बाइट साइज पीसेस वो बन जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको अगर बर्थडे वगैरह में बच्चों को सर्व करना है तो वो ईजी रहेगा। अदरवाइज रिटर्न गिफ्ट वगैरह में देना है तो ऐसे ये बार शेप में ये बहुत अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा और नीट फिनिश आया है। तो अब सब कट करने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट लिया है और उसको मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में कैसे मेल्ट करना है इसका जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें दिखाया था चॉकलेट को कैसे मेल्ट करना है, फज में दिखाया था। तो अगर वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब क्या करना है, जो मेल्टेड चॉकलेट है उसमें एक एक बार को डिप करना है और एक्स्ट्रा चॉकलेट टेप आउट कर देना है और उसको एक पैन में रखना है। मेक श्योर कि चॉकलेट आपका बहुत गर्म ना हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हो बट मेल्टेड हो। ये चॉकलेट कंपाउंड है, आप चाहो तो प्योर चॉकलेट भी ले सकते हो बट उसमें फिर आपको टेम्परिंग करना पड़ेगा चॉकलेट्स को। एक फोक के हेल्प से ये बार्स के ऊपर ऐसे एक पैटर्न बना लेना है, इससे इसका लुक बहुत सुंदर दिखता है। सब चॉकलेट्स बनने के बाद इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट करना है। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। सेट होने के बाद चॉकलेट्स में अगर साइड में कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिप हुआ है तो उसको आपको सीजर के हेल्प से कट करना है और एक फिनिश लुक देना है। तो चलिए इसका प्लेटिंग कर लेते हैं और अंदर का टेक्सचर देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो देखने में ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है एंड बहुत डिलीशियस भी है, बिलीव मी। जब मैं इसको कट कर रही हूँ तो देख सकते हो आप कितना ईजीली ये कट हो रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हो
15 to 20 days के लिए। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। एंड जो लोग पहले से ही हैं मेरे चैनल पे उनको थैंक यू सो मच। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।